बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डीपीएन टीवी से मैं हूँ अक्सासगर। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सीसीपीओ पिशावर का कहना है कि खुदकुश हमला आवर अपने तरीक़े वारदात से काफ़ी तरबियत याफ्ता लग रहा था। इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने 3 से 4 साल तरबियत हासिल की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीसीपीओ ने कहा कि पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मस्जिद गेट पर चेकिंग के लिए एक कांस्टेबल गैर मुसल्ला जबकि दूसरा असले से लेस था। खुदकुश हमलावर ने सबसे पहले मुसल्ला कांस्टेबल को निशाना बनाया, फिर 1.5 सेकंड में दूसरे कांस्टेबल के सीने पर गोली मार दी। सीसीपीओ का कहना है कि गैर मुसल्ला कांस्टेबल सीने में गोली लगते ही दौड़ा था। कराची वफाकी मोहतसब इंसदाद हरासगी बराए खवातीन कश्माला खान ने कहा कि मुझे पूरी ज़िंदगी हरास किया गया, मैंने दिल तोड़ने की सज़ा बहुत पाई, घूरना और फजूल मैसेजेस करना भी हरासगी के ज़मरे में आता है। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान कश्माला खान का मजीद कहना था कि पहली शादी 1.5 साल से ज़्यादा अरसा ना चल सकी, लोगों ने मेरी दुश्मनी में मेरे बेटे को टारगेट बनाया। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अभी किसी सियासी जमात में शमूलियत का इरादा नहीं। लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसफा को जख्मी करने वाले ड्रोन ऑपरेटर को माफ़ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के दौरान ड्रोन कैमरा लगने से आसफा भुट्टो जरदारी जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उन्हें तिबी इमदाद फराहम की गई और उनके जख्म पर 5 टांके आए। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस ने टीवी चैनल और दीगर अमले को माफ़ कर दिया। दुबई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर करीमुल्ला शाह बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएई इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी ओवरसीज कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेगी। कलीमुल्ला शाह बुखारी ने कहा कि तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका असल मुकाम मिल रहा है, जिसके वो हकदार हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को दी जाने वाली मरात और सहूलियात भी तारीखी हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है, जिनके लिए मुशावरत से तजावीज तैयार की जा रही हैं। विमेन वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तानी टीम को अपने पहले ही मैच में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ गया। रवायती हरीफ भारत के 244 रन के जवाब में पाकिस्तानी कुड़ियाँ 137 रन ही बना पाई। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के चौथे मैच में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबले आईं। पहले भारतीय बल्लेबाज और फिर भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम की एक ना चलने दी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 244 रन बनाए, बाद जहां भारतीय बॉलर्स ने कौमी टीम को 137 रन पर महदूद कर दिया। रावलपिंडी कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनस का कहना है कि शेन वॉर्न क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी थे। पिंडी टेस्ट मैच के दौरान साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर शेन वॉर्न की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक क्रिकेटर्स और मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इस मौके पर वकार यूनस ने कहा कि शेन वॉर्न क्रिकेट वर्ल्ड के बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ अच्छे इंसान भी थे। यासिर शाह जब इंटरनेशनल करियर में मुश्किल का शिकार थे तो शेन वॉर्न ने उनकी बहुत मदद की। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए देखते रहें डीपीएन टीवी और रहें हर खबर से बाखबर।